CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पाठ 10 कवि उमा शंकर जोशी पृष्ठ संख्या 62 से 66 तक पृष्ठ संख्या 62 कवि परिचय उमा शंकर जोशी जन्म सन 1911 गुजरात में प्रमुख रचनाएं विश्व शांति गंगोत्री निशीथ प्राचीना आतिथ्य वसंत वर्षा महाप्रस्थान अभिज्ञा जो एकांकी हैं सापना भारा शहीद जो कहानियां हैं श्रावणी मेड़ों विसामो जो उपन्यास है पार कांजड़िया जो निबंध है गोष्ठी उघाड़ी बारी क्लांत कवि महारा सोनेट स्वप्न प्रयाण इनके संपादन है सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन निधन सन 1988 तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे बतौर कवि उमा शंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम हैं जोशी जी कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं उमा शंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आजादी की लड़ाई से रिश्ता रहा आजादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए पृष्ठ संख्या 63 कविता परिचय यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है इस खेत में किसी अंधड़ जिसका आशय भावनात्मक आंधी से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है यह बीज रचना विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रूपाई का ही परिणाम है पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होती है यानी उत्तम साहित्य काल जयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ
अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। पृष्ठ संख्या 64। छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। पृष्ठ संख्या 65। बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वो तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। पृष्ठ संख्या 66। अभ्यास कविता के साथ। प्रश्न एक, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? प्रश्न दो, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या हैं? प्रश्न तीन, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? प्रश्न चार, व्याख्या करें। पहला, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। दूसरा, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। कविता के आसपास। पहला, शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि योजना अथवा रूप रस गंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रस्तुत कविता से बिंब की खोज करें। दूसरा, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, रूपक कहलाता है। इस कविता में से रूपक का चुनाव करें। कला की बात। बगुलों के पंख कविता को पढ़ने पर आपके मन में कैसे चित्र उभरते हैं? उनकी किसी भी अन्य कला माध्यम में अभिव्यक्ति करें। इसी के साथ आरोह भाग दो का पाठ कवि उमा शंकर जोशी यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।